छोटी सी एक बात बताइए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप सतीश बौद्ध लिखते हैं, तो ये बौद्ध कहाँ से आया, या पूरा परिवार बौद्धिस्ट है, कहाँ से बुद्ध की परंपरा आई, अपने घर परिवार के अंदर वो बताएं। पारिवारिक रूप से मैं बुद्धिस्ट नहीं था, मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ वो परिवार मूलतः शूद्र परिवार था, हिंदुओं के शूद्र वर्ण में ही मेरा जन्म हुआ। परंतु जब मैं युवा हुआ तो युवा होते होते हमारे यहाँ गाजियाबाद में मास्टर चरण सिंह बौद्ध जी रहा करते थे, वो मेरे धार्मिक गुरु रहे। उन्होंने मुझे बुद्ध के धम्म का रास्ता बताया। उन्होंने जब मुझे बुद्ध की शिक्षाएं बताई तो सुत्त पिटिक, अभिधम्मा पिटिक, विनय पिटिक नाम के ग्रंथ जब मैंने पढ़े और बुद्ध के सिद्धांत पढ़े तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मैंने अपना जो पुराना धर्म था हिंदू धर्म को त्याग करके बुद्ध के धम्म का अनुसरण कर लिया, क्योंकि यही एक धम्म ऐसा है जो मानवतावादी है, ऐसा धम्म है जिसमें मानव मानव एक समान कंसीडर किया जाता है, एक ऐसा धम्म है जहाँ मैत्री करुणा और भाईचारे पर आधारित परिपाटी है, एक ऐसा धम्म है जो प्राकृतिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को एक ऐसी जीवन शैली देता है जहाँ मनुष्य मनुष्य बन के मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करता है, एक ऐसी परिपाटी जहाँ हमने ये जाना कि जो प्राकृतिक सिद्धांत है वो किस तरह से कारगर होते हैं। कुछ एक ऐसे प्राकृतिक सिद्धांत है जो मैं बताना चाहूँगा। बुद्ध का बड़ा ही ज़बरदस्त सिद्धांत उन्होंने बताया, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट इतना बड़ा सिद्धांत है कि आज पूरा विश्व इस सिद्धांत पर चल रहा है, इस सिद्धांत को मानने के लिए एकदम तत्पर है। वो सिद्धांत कुछ इस तरह है कि बारिश के बिन पानी नहीं, पानी के बिन बर्फ कहाँ, बारिश के बिन पानी नहीं, पानी के बिन बर्फ कहाँ, हर घटना का कारण है आरंभ नहीं तो अंत कहाँ। अर्थात बिना कारण के कुछ नहीं होता, इस दुनिया में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आज मैं एसएम न्यूज के स्टूडियो में बैठा हूं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। आपने सुरेंद्र जी मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। आपका और मेरा जन्म इस दुनिया में हुआ तो उसके पीछे भी कोई कारण है, और जब हम मरेंगे तो हमारे मरने के पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो ऐसे सिद्धांत बुद्ध ने बताए जो सार्वभौमिक है, और ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांतों का अनुसरण अगर व्यक्ति विशेष न करे तो फिर कौन करेगा। और यहीं तक सीमित बुद्ध का धम्म नहीं रहा, मैं आपको बताने में बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूं कि बुद्ध ने बताया एवरीथिंग चेंजेस नथिंग इज लॉस्ट, दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होता है, सब कुछ बदलता रहता है, वो स्वरूप बदलता रहता है। जैसे एक बीज हमने मिट्टी में बोया, वो बीज गेहूं का पौधा बन गया, पौधे बड़े हो गए, स्वरूप बदल गया, पौधों का रूप ले लिया, अब उनमें बालियां आ गई, अब वहां से फिर से गेहूं को तोड़ा जाएगा, अब उसे चक्की में पीसा जाएगा, तो वो गेहूं अब आटे के स्वरूप में आ गए, अब आटे को रिफाइंड फ्लोर बनाया जा सकता है, और रिफाइंड फ्लोर और आटे से रोटियां बनती, देखिए गेहूं का स्वरूप बदलता जा रहा है, कहीं रोटियां बनेंगी, कहीं कुलचे बनेंगे, कहीं भटूरे बनेंगे, कहीं पराठा बनेगा, कहीं लच्छा पराठा बनेगा, फिर व्यक्ति उसे खाएगा, खाने के बाद यहाँ पाचन क्रिया उस पर काम करेगी, काम करने के बाद जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर में चले जाएंगे, जो बाकी बचेगा मलमूत्र के रूप में बाहर आ जाएगा। आप देखिए स्वरूप बदलता जा रहा है, चेंजेस एवरीथिंग चेंजेस, सब कुछ बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, मैं पुस्तकों में पढ़ता हूं कि जब एक महिला का पति मर जाता था तो उसकी मृत्यु पर महिला को जिंदा जला दिया जाता था, उसे सती प्रथा कहा करते थे। एक बार इसी तरह एक महिला को जिंदा जला दिया गया, और अगले दिन सवेरे गांव वाले इकट्ठे होकर के जब मरे हुए व्यक्ति की हड्डियों को इकट्ठा करने गए ताकि उसे पानी में सिला सकें, तो उन्होंने देखा कि वो जो महिला भी जीवित है, उसकी सांसें चल रही हैं। जानते हो उसने क्या, गांव वालों ने क्या किया, उस महिला को फिर से जलाया, और उसे तब तक जलाया गया जब तक उसकी सांसें नहीं निकल गई। तो आप समझ सकते हो सती प्रथा जैसी घटिया प्रथा हुआ करती थी उस समय, समाज ने उसे सही माना था, लेकिन आज कोई इस प्रथा को जारी करके बताए, जरा सब बदल गया, लोग बदल गए, हालात बदल गए। वो अच्छे से याद है वो डाकिए की घंटी न जाने कब मोबाइल फोन की घंटी में बदल गई, पता नहीं चला। ट्रंक कॉल करने के लिए डाकखाने जाया करते थे, कई कई दिन पहले फोन बुक किया करते तब कहीं जाके फोन होता था, और आज वीडियो कॉलिंग वो बदल गई, कब बदल गया कुछ नहीं पता चला। तो लोग बदल रहे, हालात तो
हमारे सामने है। तो ऐसे सिद्धांत बुद्ध के हैं, और जब बुद्ध के इतने जबरदस्त सिद्धांत होंगे तो हम उन्हें क्यों नहीं अनुसरण करेंगे, उन्हें जीवन में क्यों नहीं उतारेंगे। कितनी अच्छी बात है, मनुष्य को मनुष्य मानो, आपका कल्याण हो जाएगा। सब्बे सत्ता सुखी होंतो, सब्बे होंतो चखे मिनो, सब्बे भद्राणी पश्यन्तु मां किंचि दुख मागमा। मतलब सारी प्राणी सत्ता सुखी रहे, सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। इस दुनिया के जितने प्राणी सबका मंगल होए रे, नव के थल के जल के सारे प्राणी सुखिया होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। तो ऐसे जबरदस्त सिद्धांत है, तो क्यों नहीं बुद्ध के मार्ग पर हम चलेंगे। तो इसलिए मैं बुद्ध के रास्ते पर आया।